दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम वेलकम सर, सादर सर, सर, जो सर जो। आज मेरे जीवन का अनमोल पल है कि जब मैं अपने रोल मॉडल, अपने आइकॉन, अपने पथ प्रदर्शक के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका है। मेरे लिए इससे बड़ी धरोहर हो नहीं सकती पूरे जीवन की कि आज परम श्रद्धे और इस नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह, आर्थिक युग क्रांति के महानायक, दो दो महान गुरुओं के सामने अंबिका को कुछ बात कहने का मौका है। और मैं जब से इस बिजनेस में आया हूँ तब से मैंने एक ही बात देखा कि परम श्रद्धे श्रीमान विजय पाल सर और परम श्रद्धे श्रीमान जसवीर सर, जो आज सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में लाखों लोगों के दिलों के धड़कन नहीं है बल्कि ये व्यक्तिगत जीवन में भी और आर्थिक युग क्रांति जो हमारे भारत में आर्थिक क्रांति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उसके महानायक भी हैं। दोनों महान गुरुओं के श्री चरणों में सादर चरण वंदना अंबिका प्रसाद का स्वीकार करें। आज मुझे आपके चरणों में कुछ शब्द रखने का मौका मिला है और मैं अपनी इस सौभाग्यता को आपके चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में प्रस्तुत करूंगा। इसमें मेरा कोई शब्द नहीं होगा, ये सब आप ही लोगों के हैं। मैं सिर्फ एक स्पीकर का काम करने के लिए आया हूँ और मैं कुछ सिखाने लायक नहीं हूँ, इसलिए क्षमा चाहूंगा। इस पैनल पे जितने हमारे सम्मानित साथी हैं आप सभी का भी बहुत हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भाई बहन हैं वो उनको सभी को सादर प्रणाम आशीर्वाद जो जिस रूप में है। मैं अंबिका प्रसाद आज हृदय की गहराई से बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपके श्री चरणों में मुझे जो सब रखने का मौका मिला है। और मैं कुछ सिखाने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं गुरुओं के सामने जिनको देख करके मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, उनके समक्ष मेरी बोलने की कोई औकात नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं जब पहले दिन से शुरुआत किया और परम श्रद्धे श्रीमान विजय पाल सर को देखा तो मैंने नाम की परिभाषा सर की देखा कि नाम में ही विजय छिपा हुआ है और पूरे दुनिया में विजय का जो डंका सर ने फहराया है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। सर का जो औरा है उस क्षेत्र में जाने के बाद अगर मुर्दा भी पहुंच जाए तो मुझे लगता खड़ा हो बहुत बड़ा काम करता है। और श्रीमान जसवीर सर को मैंने देखा कि सर के नाम में ही जस है और जहां भी जाएंगे पूरी दुनिया में अपनी कीर्ति का प्रकाश फैलाते हैं और जिसके तरफ एक बार देख रहे उसका जीवन बदल के रख देते हैं। तो श्रीमान जसवीर सर को भी श्री चरणों में बहुत बहुत चरण वंदना और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, हृदय की गहराई से मैं आपके प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ, आगे इजाजत चाहता हूँ कि कुछ बोलने की स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। जी जी सर, आपको होस्ट हैं, आप कर सकते हैं। जी जी सर, परमादरणीय सर स्क्रीन दिख रही है? जी सर बिल्कुल दिख रही है, सर बिल्कुल दिख रही है। बस आपका आदेश और आपके आज्ञा मैं आगे बढ़ता हूँ, आपका आदेश लेके, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र की खड़ाओं को ही रख करके भरत ने इस गद्दी को संभाला था तो मैं आपके चरणों का आशीर्वाद लेकर के यहीं से छू करके आशीर्वाद लेता हूँ, आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल सर। पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन श्रीमान विजय पाल सर का, के श्री चरणों में अंबिका प्रसाद का सादर चरण स्पर्श, चरण वंदना और बहुत बहुत स्वीकार करें गुरुदेव। स्वीकार है। सेफ शॉप जिसकी वजह से आज अंबिका का अस्तित्व है और ट्रिपल एस सेफ शॉप डायरेक्ट डील से आप सभी सम्मानित और महत्वाकांक्षी हमारे दमदार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार इस चैनल पे जहाँ से
सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर निकालने की ही तैयारी होती है। जैसा कि बाहर लोग बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन मैं बोलता हूं अगर इस पैनल पे आप जुड़े रहें और कुछ दिन तक जुड़े रहेंगे तो यहां पर सीधा एक ही बात निकल के आती है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। तो बहुत बहुत स्वागत है भविष्य के सभी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर से। तो मैं अंबिका प्रसाद हृदय की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी पहचान है, वो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप है। सेफ शॉप को मेरे जीवन से हटा दिया जाए तो अंबिका सिर्फ एक शून्य है, और सेफ शॉप मेरे जीवन में आया तो इस शून्य का महत्व हो गया। ये सेफ शॉप में आने की वजह से हुआ। तो मैं हृदय की गहराई से सेफ शॉप जैसे महान अपॉर्चुनिटी जो लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि आने वाले पद्मों पदम लोगों की जिंदगी में खुशियां और प्रकाश डालने वाली है, ऐसे कंपनी को मैं सत सत बार कोट से बार पद्मों पदम बार धन्यवाद और कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला। मैं इस बिजनेस में आने से पहले क्या था थोड़ा संक्षिप्त परिचय जरूर देना चाहूंगा। नाम मेरा अंबिका प्रसाद है, मैं आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ और घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिताजी किसान थे, पढ़ाई लिखाई और उसी सीमित संसाधन में करना था और जीवन को लक्ष्य को पाना था। जब मैं प्राइमरी में पढ़ने के लिए जाया करता था पेड़ हुआ करते कि हमारे यहाँ उसी में हमारा स्कूल चलता था और 6 पैसा उसमें फीस लगती थी, तो 6 पैसा भी जमा करने के लिए मेरी माता जी को कभी कभी झोले में सरसों या गेहूं देना होता था, मैं बेच करके फीस जमा कर पाता। ऐसे परिवेश से निकल के आया हूँ, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, सबसे ज्यादा संस्कार डेवलप करने वाले मेरे माता पिताजी मुझे मिले। अगर वो मुझे जीवन नहीं देते और इतना अच्छा संस्कार नहीं देते तो शायद मैं आज इतने बड़े लेजेंड के सामने अपनी बात रखने के काबिल नहीं होता, और उन्हीं का सब कुछ है। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई को किया सीमित संसाधन में। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं अपने सपनों को लेकर के लखनऊ में अपने भविष्य की तलाश करने आ गया। अपने भविष्य की तलाश में लखनऊ आया तो लखनऊ जैसे शहर में मेरा अपना कोई नहीं था, और लेकिन एक बात मेरे साथ हमेशा थी, मेरा हौसला, मेरे इरादे और मेरा सपना, ये मेरे साथ थे। इसके अलावा ना पैसा था, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार था, ना कोई रहने की जगह थी। लखनऊ जैसे शहर में आ गया तो मैंने शुरुआत अपने जीवन की यहाँ से किया। चुनौती को लेकर के मैं सीमेंट की दुकान पे काम करना शुरू किया। वहां से फिर मैंने टाइप इंग्लिश और हिंदी सीखा, फिर शॉर्ट हैंड सीखा, फिर मैंने नौकरी की तैयारी किया और मैं कचहरी में बैठ के जमीन पे टाइप किया करता था। वहां से शुरुआत हुई मेरी, और मैं बस एक ही बात था, सपने बड़े थे इसलिए आगे बढ़ने का प्रयास था। फिर मेरे इसी कड़ी में मुझे अप्रैल 1994 में ट्यूबवेल कारपोरेशन गवर्नमेंट जॉब में मेरा एंट्री हो गई, और जब नौकरी मिली तो मुझे लगा कि अब जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जिसके घर में कुछ भी ना हो और नौकरी सरकारी मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। मुझे ट्यूबवेल कारपोरेशन में स्टेनो के पद पे जब मैं पोस्ट हुआ तो मैं कुछ महीने 7-8 महीने बीता होगा, देखा कि सैलरी आती है उससे पहले घर का बजट और घर से लेटर आ जाते हैं कि भाई पैसे की जरूरत है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब यही है, क्योंकि मैं ऐसे समाज से था कि ज्यादा पढ़ लिख लो और एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो परिवार आगे जाएगा। मैंने और थोड़ा मेहनत किया और दूसरी नौकरी मुझे लगी। अक्टूबर 1994 में ही सिंचाई विभाग में मैं स्टेनो बन गया, दूसरी मेरी नौकरी थी। और फिर मैं वहां भी काम किया तो मैंने देखा कि जो पहली नौकरी में मेरी जरूरत ही पूरी हो पा रही थी और यहाँ भी सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पा रही है, अगर जरूरत ही मैं पूरी करूंगा तो मेरी चाहत कब पूरी होगी और क्या वो रास्ता हो सकता है। चाहत पूरी करने की तलाश में मैं फिर तैयारी किया और मैं जल निगम में आ गया। जल निगम मेरी तीसरी गवर्नमेंट जॉब थी और तीसरी नौकरी में मैं आ गया। तीसरी नौकरी में आने के बाद मैंने देखा कि चक्र वही घूम करके पहुंच रहा है जहां मैं पहले था, क्योंकि मैंने एक बात देखा कि नौकरी सिर्फ मेरी जरूरत को ही पूरी करा पा रही है और पहली तारीख का इंतजार रहता था। इसी कड़ी में मैं और आगे बढ़ने का प्रयास किया। आगे बढ़ने का प्रयास किया तो मैं पुलिस विभाग में पहुंचा, और पुलिस विभाग में पहुंचा तो वहां पर मेरी ईमानदारी और आप जैसे हमारे सभी सम्मानित साथियों का आशीर्वाद की वजह से मैं डीजी रेलवे का सीए बना। और डीजी रेलवे का सीए बनने के बाद मैंने लगा कि अब जीवन बहुत कुछ बदल जाने वाला है, क्योंकि एक सम्मानित पद
और मैं पूरा उत्तर प्रदेश डील करने लगा, तो सीए बढ़िया सीए का पद था और डीजीपी के साथ चलने का मौका था। जबकि लोगों का बाहर दुनिया में सपना होता है जब फ्लीट निकलती है 30-40 गाड़ियां, उसमें सीए की भी एक गाड़ी होती है, तो मुझे भी लगता था कि मैं बहुत बड़े पद पे हूं। लेकिन एक बात बार 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 लगातार मुझे प्रेरित करती थी, मैं सीए तो जरूर बन गया लेकिन मेरी चाहत नहीं पूरी हो पा रही जिसके लिए मैं आया था। यदि अगर मेरा वो लक्ष्य मेरे आंख से ओझल हो जाएगा तो शायद मैं इसी नौकरी में बंध के रह जाऊंगा। ये लक्ष्य और वो बातें, जो बातें मैं लेके आजमगढ़ से चला था, वो मेरे जहन में हमेशा जिंदा थी कि नहीं मुझे बहुत बड़ा काम करना है। अगर मैं लोगों के पीछे चलूंगा तो शायद जीवन भर पीछे चलना पड़ेगा और मैं आम के आम बन के रह जाऊंगा, एक आम इंसान बन के रह जाऊंगा, और मुझे आम इंसान से खास इंसान तक जाने का हमेशा चाहत थी। क्योंकि आम इंसान को मैंने देखा, जिस तरह आम लोग आम को आम क्यों बोलते हैं, जहां तक हमारे गुरुदेव लोग बताते हैं आम को कोई भी चूस के फेंक देता है, तो अंबिका ये नहीं चाहता था कि मुझे भी कोई यूज करे और बाद में फेंक दे। मैं आम से खास बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। इसी कड़ी में सपने मुझे देखने का मौका मिला, नौकरी में था तो मैं इस तरह के घर बना करके छोटी सी गाड़ी लेकर के अपना यापन करने लगा, क्योंकि मैं सर्वेंट मेंटालिटी में था। नौकरी में यही सोच होती कि एक कमरा बन जाता, एक गाड़ी हो जाती और हम इजी चेयर पर बैठ के बढ़िया चाय पी रहे होते, तो मेरे पास भी ऐसा हो गया। अब आप देख सकते हैं 2007 में मेरा ये लाइफ स्टाइल थी और मैं डीजी रेलवे का सीए था और इस तरह के जीवन जी रहा था, इतने में बड़ा खुश था, ओहो अब तो मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन मैं भूल रहा था कि जिंदगी यही नहीं है, जीवन कुछ और है। और मैं वही समझ पाया कि ऊपर वाला जो है हमारी प्लानिंग के अतिरिक्त और कुछ प्लानिंग बना के रखता है। मैंने जो प्लानिंग किया था कि नौकरी में आऊंगा और नौकरी शानदार मिल जाएगी तो जीवन बढ़िया होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि परमपिता परमेश्वर हमारे लिए एक अलग प्लानिंग बना के रखा हुआ है और वो प्लानिंग हमारे जीवन में आने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग को ही बीच में डालते हैं। अंबिका की इनकम तो कम थी लेकिन सपने बड़े थे, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इनकम इतनी सी अब महीने में आती है एक बार, उसी में बच्चों की पढ़ाई लिखाई अपना सब कुछ देखना है। इनकम तो मेरी छोटी थी, सपने बड़े थे और मैं देख पा रहा था कि इस इनकम से अंबिका कभी भी ये सपने नहीं पूरे होंगे, फिर आगे कुछ हमें करना चाहिए। मैं उसी कड़ी में फिर तैयारी और करता रहा, सचिवालय पीए में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन परमपिता परमेश्वर को कुछ और ही मंजूर था और मेरे जीवन में कुछ और करने के लिए उन्होंने सेफ शॉप में मेरी एंट्री करा दिया। कहते हैं कि तुलसी पर घर जाए के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हमारे पास अवसर आता है और आपके पास भी आया, हमारे सभी सम्मानित साथी बैठे सभी के जीवन में अवसर आया सेफ शॉप जी। कुछ लोग इसको देख के इग्नोर कर जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं बोलते हैं बाद में कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रोडक्ट परचेज करना एक अलग बात है और इस बिजनेस में काम करना एक अलग बात है, एंट्री लेना एक अलग बात है। प्रोडक्ट परचेज करके कुछ दिन के बाद लोग छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन अंबिका ने एंट्री किया 22 नवंबर 2013। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और मैं जरूर उस महान शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा जिनकी वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मैं अपने ऑफिस इंदिरा भवन में बैठा हुआ था लंच का समय, श्रीमान शिवानंद मिश्रा जी जो मेरे गुरु हैं और मेरे आज लाइफ टाइम कोच, मेरे जीवन को बदलने वाले सब कुछ मेरे श्रीमान परशुराम सर, ये दोनों महान हस्ती हमारे ऑफिस में आई। मैं दिल की अनंत गहराइयों से सर का कृतज्ञ हूँ और मैं शानदार तालियां भी सर के लिए बजाता हूँ। मैं देख कुछ नहीं सकता, एक शिष्य के रूप में सिर्फ एक अब कृतज्ञता ही दे सकता हूँ। वो मेरे जीवन में आए, प्लान को उन्होंने दिखाया और प्लान दिखाने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हुआ और मैं धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने लगा। मेरे सपने बड़े थे, मैंने पीछे दिखाया कि मेरे सपने बड़े थे लेकिन ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि इनकम कम थी। इस जगह पे मैं था लखनऊ में, लखनऊ जैसे शहर में ऐसी जगह पे था, लेकिन सेफ शॉप की एंट्री होने के बाद आज ये आपकी कृपा से शानदार 5,000 स्क्वायर फीट का गोमती नगर लखनऊ में एक शानदार मकान बन पाया। थोड़ा जीवन में परिवर्तन आया और अल्टो की जगह पे अल्टो तो खड़ी रहती है, आज 38 लाख की फॉर्च्यूनर भी मेरी खड़ी रहती है। सिर्फ यही नहीं,
अभी मेरी एक गाड़ी और बुक हो चुकी है रेंज रोवर बेलार, बहुत जल्दी ही आने वाली है क्योंकि इस मकान में काम चल रहा है, ये मकान थोड़ा सा और अपडेट हो रहा है, इसके बाद वो गाड़ी आके खड़ी होगी। ये सब कुछ ये महान गुरुओं को जिनके श्री चरणों में आज मैं बोल पा रहा हूँ, इन्हीं को देख देख करके आगे बढ़ रहा हूँ, इन्हीं की वजह से हो पा रहा है। तो आज जीवन में परिवर्तन आया, जीवन में परिवर्तन जैसे जैसे आया तो मैंने देखा कि एक पुलिस का आदमी जो एक बेल्ट से हमेशा जकड़ा रहता था, समय के बंधन में जकड़ा रहता था, एक सीमित संसाधन था, सीमित मेरा दायरा था, और वहां से निकल करके इस टाइप की लाइफ स्टाइल में पहुंचाने का सारा श्रेय आप सभी महागुरुओं को ही जाता है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपने बोला कि दाहिने खड़े मुड़ जाओ तो दाहिने मुड़ गया, बाएं मुड़ जाओ तो बाएं मुड़ गया, और कहे कि खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हो गया, सिर्फ इतना ही काम करता हूँ, बाकी इसके अलावा मैंने अपना दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपना दिमाग लगा करके तो सिर्फ नौकरी ही कर पा रहा था, यदि नौकरी का दिमाग इसमें लगाऊंगा तो शायद आज भी नौकरी के बराबर ही इनकम ले पाऊंगा, तो मैंने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया। आज शानदार लाइफ है, ये हमारे जीवन में अचीवमेंट हुआ छोटा सा धीरे धीरे। आज लखनऊ गोमती नगर विस्तार में जहां मैं रहता हूं, यहां मेरे पास आपके आशीर्वाद से लगभग 20,000 स्क्वायर फीट जमीन मैंने यहीं से परचेज किया, और अभी एक कॉलेज बनवाने के लिए स्टेट हाईवे पे हमने 2 बीघा जमीन और लिया। बहुत कुछ जीवन में बदलाव हो रहा है, जीवन बदलता चला जा रहा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान मोड में आने की वजह से, क्योंकि हम लोग बार बार ट्रेनिंग में लेते हैं तो वहां हर ट्रेनिंग में मैं देखता हूँ कि 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक हनुमान मोड वाले जैसा कि आप लोग हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बोला तो आपने बोला यस करके गुरु जी अभी आएंगे, और एक अर्जुन मोड वाले, अर्जुन मोड वालों के लिए ट्रेनिंग होती है, बाकी हनुमान मोड के लिए ट्रेनिंग नहीं बनी है, क्योंकि हनुमान मोड के लोग हमेशा जैसी प्रभु की आज्ञा बोल करके अपने काम के लिए निकल जाते हैं, और अर्जुन मोड के लोगों के लिए ही और बार बार लगातार ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। और मैं यहां तक समझ पा रहा हूं कि 18 अध्याय 700 श्लोकों के माध्यम से समझाने के बाद भी अर्जुन को समझ जब नहीं आया तो साक्षात भगवान को विराट रूप धारण करना पड़ा कि आप देखो जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, तो विराट रूप धारण करने के बाद उन्होंने गांधी को उठाया था। लेकिन हम लोग सभी सौभाग्यशाली, मेरे जितने भाई बहन आज इस जूम ऐप पे मुझे सुन रहे हैं, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोग हनुमान मोड में ही रहते हैं और यस बोलते ही रहते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हनुमान मोड में हैं। मैं जिस पद को पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था कि सीए बन जाऊं, बड़ी नौकरी मिल जाएगी तो बड़ा काम हो जाएगा, डीजी रेलवे का सीए होने के बाद जब मेरा रिटायरमेंट डेट थी अप्रैल 2029, आप शायद स्लाइड में देख पा रहे होंगे, 2029 में मेरा रिटायरमेंट था। लेकिन धन्य है हमारे सभी महागुरु, धन्य है ये बिजनेस, धन्य है हमारे महान डायरेक्टर, धन्य है आप जैसे गुरु कि मुझे एक बंद कमरे से निकाल कर यहाँ तक आपने पहुंचाया, और मैंने स्वेच्छा से, कभी भी मेरे अपलाइनों ने नहीं कहा कि अंबिका नौकरी छोड़ दो, कभी भी, क्योंकि माता पिता और गुरु हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं और वो हमेशा आपके हमारे भलाई के लिए ही कार्य करते हैं, वो कभी भी नहीं उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ के आ जाओ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ से मुझे निकलना चाहिए और निकल के मैं अपने भाई बहनों के पास पहुंचूं जो अंबिका की तरह से कभी दर्द झेल चुके हैं गरीबी रूपी बीमारी का, अगर गरीबी रूपी बीमारी का दर्द झेल चुके हैं तो वहां से निकलने की हमें जरूरत है। तो मैंने अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया 31 अक्टूबर 2018 को, मैंने 31 अक्टूबर 2018 को नौकरी से वीआरएस ले लिया। उस समय मेरी सैलरी जो होती थी 1,34,000, ये बहुत ज्यादा नहीं है, मैं कहता हूं हमारे बहुत साथी है इससे ज्यादा बाहर की दुनिया में कमाते होंगे, हो सकता है कि बहुत से लोग हैं इससे ज्यादा सैलरी मिलती हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं था। फिर भी एक डिसीजन लेने की एक पावर की जरूरत पड़ती है, और वो पावर हमारे गुरुओं की वजह से आती है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान के रूप में जो गुरुदेव हैं, मैं जरूर इनको नमन करता हूं और इनके चरणों में ही मैं प्रणाम करके मेरी जीवन की शुरुआत होती है प्रतिदिन का। और मैंने देखा कि इनके जो हमारे भगवान के रूप में श्रीमान माधव सर जैसा नाम है ऐसा ही मेरे लिए भगवान भी हैं। मैं जब भी सर को देखता हूं तो वही वीणा बजाते हुए वही बंसी बजाते हुए मुझे भगवान श्री कृष्ण की छवि आती है, और मैं सर के श्री चरणों में पद्मों पद्म बार शीश झुकाते हुए आशीर्वाद ही कामना करता हूं। सर के नॉलेज की वजह से अंबिका ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया,
हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मेंटरशिप में काम करते हैं जहां साक्षात भगवान के रूप में हमारे गुरुदेव हैं। और गुरुदेव ने पिछले लॉकडाउन में ये कुछ ऑडियो भेजे थे, चाहे वो थ्री पावर की हम बात करें, साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात करें, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर ऑफ ड्रीम, पावर ऑफ प्रेयर, आप सभी लोगों ने सुना होगा। लेकिन मैंने सुना तो सुना, और सुनने के बाद मैंने क्या किया, शायद आप देख पा रहे होंगे इस डायरी में जो आदरणीय गुरुदेव ने अपने अनमोल वचन दिए थे, और उस अनमोल वचन को मैंने लिखना शुरू किया, और ये मैंने इस तरह से डायरी मेंटेन करना शुरू किया। मैंने सभी ऑडियो की, हर एक ऑडियो के करीब लगभग 10-10 पेज मैंने लिखा इस डायरी में, और लिखने के बाद मैं इसको डेली के डेली पढ़ता हूँ, और मैं अपनी टीम में भी पढ़ाता हूँ और सुनाता भी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, और हमारी गंगा तो यही के श्रीमान माधव सर के श्री चरणों से ही निकलती है, ये हमारी गंगा वहीं से निकलती है और वहीं जाके समाप्त होती है। तो इस तरह से मैं अपना डायरी मेंटेन करने लगा, और मैं आप सभी से जरूर कहना चाहूंगा कि ये अनमोल वचन सर के हैं, ये जीवन को बहुत उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। इस नॉलेज को लेने के बाद धीरे धीरे मैंने अपने अंदर, क्योंकि मैं ऐसा मेरा अपना मानना था कि मैं काम करूंगा तो मेरा प्रभाव मेरे टीम में पड़ेगा, और व्यक्ति का प्रभाव पड़ता ही है, चाहे वो सही प्रभाव हो या उसके व्यक्तिगत प्रभाव हो, क्योंकि प्रभाव तो छोड़ ही जाते हैं। अगर गलती से भी हमारी टीम में रॉन्ग डुप्लीकेशन हो गया तो हम अपनी टीम को कभी भी नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, और अगर हम सही प्रभाव डालना चाहते तो हमें खुद ही सही कार्य करने हैं और जो हमारे सिस्टम बताते हैं। तो मैंने गुरुदेव के सारे ऑडियो को सुना, और डायरी मेंटेन करने के बाद फिर मैं यहीं से मुट्ठी बांध करके और सक्रिय हो गया काम को करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि गुरुदेव की जो वाणी है वो अमृत वाणी है मेरे लिए। मेरे लिए कोई और भगवत गीता नहीं है, मेरे लिए कोई मंदिर नहीं है, मेरे लिए आप ही का चरण ही मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए मस्जिद है, मेरे लिए काबा है, गुरुद्वारा है, सब कुछ मेरा यही है, और मैं यहीं से प्रणाम करके रोजाना आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से जब मुझे नॉलेज मिला तो फिर मैंने अपने आप को पूछा कि भाई मैं कौन हूँ, कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा। आज मैं सभी भाई बहनों से जरूर निवेदन करूंगा कि ये बात मैंने अपने आप से पूछा था। यदि हमारे जो साथी हैं जो अभी टोपाज एंडेबम में है, जो टोपाज और आसपास है, जो अभी डायमंड बनने की लगातार लाइन में लगे हैं, आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में जो बताते हैं, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ मेरी मेरे शब्द नहीं है, ये आप और सत्यापित कर सकते हैं हमारे महान गुरुजनों से, हमारे महान साथियों से जिन्होंने बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है, जो मुझसे बहुत ऊंचाई पे हैं, जो मुझसे हमेशा श्रेष्ठ है, मेरे पूजनीय है, आदरणीय है, उनसे आप सत्यापित भी करते रहिएगा। सिर्फ यही नहीं कि अंबिका जो बोल दिया इसकी वजह से करना है, क्योंकि मैं तो एक स्पीकर का काम कर रहा हूँ, ये सारे शब्द आप ही लोगों के हैं जो हमारे पैनल पे हमारे सम्मानित हमारे सभी मरकरी लीडर और हमारे वीनस लीडर ट्रिपल डायमंड डबल डायमंड सभी हमारे सम्मानित साथी उन्हीं के शब्द हैं, बस रूप बदल गया है। तो मैंने अपने आप से पूछा कुछ प्रश्न कि मैं कौन हूँ। पहला उत्तर मुझे मिला कि मैं अपने जीवन का शिल्पकार हूँ, ये ऑडियो में मुझे समझ में आ गया था श्रीमान माधव सर के। और उसके बाद मैं लगातार अपने आप से एक प्रश्न लगा पूछने कि मैं अपने परिवार को अपने टीम को सफलता के शिखर पे ले जा सकता हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ। जैसा कि रामचरितमानस में बोला भी जाता, का चुप साध रहा बलवाना, इतना बलवान होने के बाद क्यों चुप मार के बैठे हो, जामो जी याद दिलाते हैं। तो मैं भी देखा कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, और मैं अपने सपनों से प्यार करता था, इसीलिए नौकरी में बार बार लगातार आगे बढ़ने की दिशा में था। मेरे परिवार के सुनहरे कल की जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि मैं उस गरीबी से निकल के आया था, और उस गरीबी के दलदल में अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मैंने लिया और मैंने काम करना शुरू किया। मैं अपने टीम को विजेता बना सकता हूँ, ये पावर है मुझे, और इस पावर को मैंने पहचाना उस आरडीओ में सुनने के बाद, आदरणीय गुरुदेव लोगों को सुनने के बाद, आदरणीय श्रीमान जसवीर सर को सुनने के बाद, आदरणीय श्रीमान विजय पाल सर को सुनने के बाद, मुझे लगा कि मैं अपनी टीम को विजेता बना सकता हूँ, मैं क्यों शांत बैठा हूँ, और मैंने वही काम करना शुरू किया। अगला उत्तर मिला कि मैं अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी भी बदल सकता हूँ, और मैंने उसी कड़ी में अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मैं दूसरों के काम आ सकता हूँ, अर्थात मदद कर सकता हूँ, मैं इतिहास रच सकता हूँ, इसलिए मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं अपने उस गरीब परिवार जन्म हुआ, मेरा सौभाग्य था कि उस गरीब में आने का मुझे मौका मिला। यदि मैं वहां नहीं आता तो शायद मेरे जीवन में ये अधूरा सा अधूरापन रहता।
और आगे मैं अपने खानदान से गरीबी हमेशा के लिए मिटा सकता हूं, ये मुझे मालूम हुआ। मैं इसलिए मेरी जिंदगी बहुत अनमोल है, ये बात समझ में जब आ गई तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे बढ़ने लगा। ये मैंने अपने आप से पूछा और ये उत्तर मुझे मिला। मिलने के बाद मैंने कुछ काम करना शुरू किया। वो काम कौन थे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मैंने अपने आप से अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए निम्नांकित कार्य प्रतिदिन करना शुरू किया कि क्या मैं अपना लक्ष्य प्रतिदिन तय करता हूं, क्योंकि ये गलती मैं कर रहा था, ये गलती अंबिका से हो रही थी और मैं अपना लक्ष्य नहीं तय करता था। मैं हवा में दौड़ता था, कभी इधर कभी इधर, कभी गलत डायरेक्शन में चला जाता था। तो मैंने देखा कि क्या मैं अपना लक्ष्य प्रतिदिन तय करता हूँ, क्या मैं प्रतिदिन प्लान दिखाता हूँ, क्योंकि जिसकी वजह से हमारा वजूद है, जिसकी वजह से बिजनेस है, जिसकी वजह से आगे बढ़ेंगे, क्या मैं डेली करता हूँ, क्या मैं लिस्ट को अपग्रेड करता हूँ, क्योंकि अभी आदरणीय सर ने भी लिस्ट की जिक्र किया और जब तक हम लिस्ट को अपग्रेड नहीं करेंगे, लिस्ट को बराबर नहीं बनाते रहेंगे तो हमारी लिस्ट समाप्त हो जाएगी, बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। क्या मैं प्लान और सिस्टम की जानकारी लोगों को देता हूँ, मैंने अपने आप से यह देखा और अपनी कमी को ढूंढा, क्या मैं फॉलोअप करता हूँ। इसी तरह से सारे बातें थी कि मैं FIM करता हूँ कि नहीं, मुझे रजिस्ट्रेशन आता कि नहीं, नहीं आता तो मैं सीखूं, और मैं स्वयं और मेरी टीम को टेस्ट 10 का फॉर्मूला पे रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, मैं ग्रुप मीटिंग में जाता हूँ या करता हूँ, ये सारी बातों को मैंने देखा। क्या मैं ट्रेनिंग में समय से पहुँचता हूँ, समय का बड़ा महत्व है, डिसिप्लिन विभाग में मैं था इसलिए डिसिप्लिन सीख पाया, मैं बैनू प्लान में समय से जाता हूँ कि नहीं, क्या मैं प्रतिदिन सभी लीडरों से, चाहे वो मेरे अपलाइन हो, मेरे गुरु हो, चाहे मेरी टीम हो, मैं क्या बात करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या मैं प्रतिदिन अपने अपलाइन को रिपोर्ट करता हूँ। मैं पहले गलतियां करता था, नहीं करता था रिपोर्ट, सोचता था कि ऐसे चलेगा, लेकिन मैंने अपने आप में सुधार किया, अपने आप को तराशा, अपनी गलतियों पर काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं और के लिए नहीं, अपने जीवन को बदलने के लिए आया था, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आया था, इसलिए मैं प्रतिदिन इस पे काम करता था। मैंने देखा क्या मेरा अपने अपलाइन और पूरी टीम से बेहतर तालमेल है, तो मैंने देखा कि कहीं कमी ना हो जाए, इसलिए मैंने एक चीज सीखा कि जिस तरह दूध में पानी को मिला देने के बाद पानी अपना अस्तित्व खो देता है, फिर भी दूध बोलता है कि दोस्त अगर तूने मेरे अंदर मिलने के बाद, मुझमें मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो दिया तो तुम्हारा भाव भी बढ़ा दूंगा, तुम्हारा रेट बढ़ा दूंगा, और दूध के साथ पानी भी 60 रुपया लीटर बिक जाता है, लेकिन पानी ने भी संकल्प लिया कि यदि आपने मेरे भाव को बढ़ाया है तो मैं भी आज संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं रहूंगा दूध के अंदर तब तक आपको एक बूंद जलने नहीं दूंगा और अपनी भूमिका को निभाता रहूंगा। आप देखिए पानी, जब दूध हम गर्म करते हैं तो पानी तब तक रहता है तब तक दूध नहीं जलता, इस तरह हमें तालमेल बना के, यदि मेरे आने के बाद हमारे गुरुदेव को ये बोलना पड़े कि कुछ काम करने के लिए, तो मेरा लानत है अंबिका को लानत है कि इस बिजनेस में आने के बाद अगर गुरुदेव को कुछ कहना पड़ जाए काम के लिए। काम इतना करके दिखाएंगे कि काम की परिभाषा बदलने के लिए ही आए। काम कैसे किया जाता गुरुदेव बताते हैं, लेकिन काम की परिभाषा बदलने के लिए जिगर की जरूरत होती है, और ये फौलादी जिगर गुरुओं ने दिया है, और इसको हम हमेशा कहेंगे कि अपने अपलाइन को एक कंपास की तरह से, जैसे हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव ने अभी कंपास के बारे में 6 प्रकार से हम लोगों को बहुत बेहतरीन विजन भी दिया, और हम हमेशा उन्हीं को देख करके जहां हमारे गुरुदेव खड़े हैं वही सही दिशा है, तो हम बेहतर तालमेल मैंने बनाने का प्रयास किया और आज आपके सामने खड़ा हूं। इस तरह से मैंने काम करना शुरू किया। कुछ काम मैंने और किया, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लोग सफल होते मैंने पढ़ा और गुरुदेव से सीखा, वही बातें मैं आज यहाँ देखता हूँ। मैंने देखा कि जो लोग जीवन में टारगेट को बना के काम करते हैं वही सफल हो पाते हैं, जो लोग लिस्ट बनाते हैं, डेली लिस्ट अपडेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी में इस तरह की डायरी पड़ी रहती है, मेरे पॉकेट में इस तरह की डायरी पड़ी रहती है, और मैं लगातार ये अपना मेंटेन करता हूँ, लिस्ट को अपग्रेड करता हूँ, अभी तक मैंने बंद किया नहीं, चाहे मेरा लेवल कुछ भी हो जाए, मुझे मालूम है कि यही लिस्ट हमको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने वाली है, और मैं लगातार इस लिस्ट को अपग्रेड करता हूं। आज भी मैं जहां भी जाता हूं, चाहे वो सब्जी वाले से लेकर के मॉल में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, चाहे IPS हो, अगर मिलने गया तो मेरी डायरी में उसका नाम जरूर आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लिस्ट एक कच्चा माल है और यही लिस्ट हमारे आने वाले समय के डायमंड है। हम लिस्ट नहीं बनाते, हम डायमंड का नाम लिखते हैं, और मैं प्रतिदिन लिखता हूं इसको। इस तरह से जो लोग मीटिंग करते हैं, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, चाहे संडे का सेमिनार हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे होम प्लान हो, जो लोग करते हैं प्लान को खुद जो दिखाते हैं, ये टाल मटोल वाला नहीं,
जो लोगों को सही जानकारी देके ज्वाइनिंग कराते हैं। हमारे बहुत से साथी मेरे टीम में पहले मिले, जो लोग जाके बोलते थे बस आप ज्वाइन करिए बाकी मैं हूं ना, अरे मैं बोलता हूं ये डायलॉग मारने की जरूरत क्या, मैं हूं ना, मैं अगर मैं ही अकेले कर लेता तो मैं तो नौकरी क्यों कर रहा होता। बिजनेस की सही जानकारी, बिजनेस की पावर देके अगर हम उसको ज्वाइन कराएंगे तो वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के बहुत बड़ा काम करेगा। जो लोग नेटवर्क में काम करते हैं और टीम बना के काम करते, टीम को सिखाते हैं, टीम बना काम करते हैं, वही लोग सफल होते। जो हमेशा सफल लोगों की बातें, मैंने हमेशा हमेशा अपने गुरुओं की बातें सुना, परम आदरणीय विजय पाल सर की बातों को आज भी सुनता हूँ, उनकी ऑडियो वीडियो जो भी उनकी सुनता हूँ, परम आदरणीय जसवीर सर को मैं लगातार फॉलो करता हूँ, लगातार सुनता हूँ, उनके बातों को अमल करता हूँ, अंबिका उनके जैसे बनने का प्रयास करता है, अंबिका कुछ नहीं है, मैं गुरुओं के जैसा बनने का प्रयास कर रहा हूँ और उसी में धीरे धीरे होता चला जा रहा है। जो टाइम पंक्चुअल होते हैं, यदि टाइम को दिया गया कि अगर हमें 8 बजे मीटिंग शुरू तो हमें 7:45 बजे तैयार होकर अपनी डायरी पेन के साथ बैठना चाहिए और हम बैठ करके पूरी तैयारी के साथ अगर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए 1 सेकंड भी अगर छूट गया मीटिंग, 1 सेकंड भी मीटिंग से वंचित रह गए तो हमारे जीवन से अनमोल बच्चे निकल जाएंगे। हमेशा एनर्जेटिक रहना है, कभी भी चाहे हम प्लान दिखाने जाए चाहे मीटिंग करें, एनर्जी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो व्यक्ति जिसको हम ज्वाइन कराने जा रहे हैं, जिसको बताने जा रहे हैं, वो हमारी कंपनी को बाद में देखता है, हमारे एनर्जी को देखता है कि याद भी यार कुछ करने वाला है। पता चला हम गए और एनर्जी हमारी डाउन है, हम बिल्कुल उससे बैठ के बात कर रहे, बोलेगा ये मरियल आदमी मेरी जिंदगी क्या बदलेगा, जिसकी बातों में इतनी पावर नहीं है, जिसकी बातों में इतना कशिश नहीं है, वो अपनी तरफ खींच नहीं पाता, क्या हमारे जीवन को बदलेगा। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, जो लोग कभी भी काम ना करने का बहाना नहीं बनाते, बहुत से लोग इस समय मेरी टीम में भी थे कोविड का बहाना बनाते थे, फिर कोविड पे हम लोगों ने काम किया कि नहीं कोविड कुछ नहीं, हमारे लिए वरदान है ये, क्योंकि जब भी कोई बात आई है पेंडेमिक आया है तो वरदान साबित हुआ है और हम लोग इसी पे काम करेंगे। और गुरुदेव इसी बहाना को हमने अपने जीवन से हटाया, आज बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा रिजल्ट भी है टीम में, मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा रिजल्ट पहले आता था उससे 1.5 गुना रिजल्ट इस समय आ रहा है। क्या बात, तो जो लोग कभी भी सीखने का मौका नहीं छोड़ते वो लोग आगे जाते हैं, ये जीवन है सिखाता है, हमें बहाना नहीं बनाना, क्योंकि जीवन में अगर हम बहाना बनाएंगे तो हम वही पहुंच जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। सीखने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमें कोविड सिखा रहा है, जूम पे कैसे मीटिंग करना है, कैसे हमें कॉन्फ्रेंसिंग करना है, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव करना है, क्योंकि अगर हम ये मौका छोड़ दिए तो मेरा अपना मानना है कि जंगल में राजा शेर होता जो शक्तिशाली होता है, और वहां एक निरीह प्राणी भी रहता है, चाहे वो छोटा कोई भी प्राणी का नाम ले सकते हैं, शक्तिशाली राजा है लेकिन सुबह उठता है तो डेली उसको उठ के भागना पड़ता है, और वो निरीह प्राणी चाहे हिरन हो चाहे कोई छोटा जानवर, वो भी सुबह उठता तो भागता है, वो एक तो भागता है अपने भूख को मिटाने के लिए कि मेरी भूख मिट जाए, और एक भागता है कि मेरे जीवन को मैं बचा लूं, और इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने का हक उसी को है, सरवाइव करने का हक उसी को है कि जो अपने आप को फिट रखता है, अगर फिट नहीं है तो किसी के निवाला बन जाएंगे, और अगर फिट नहीं है तो राजा है तो क्या हुआ, भूख से जान चली जाएगी। yes. इसलिए दोनों कंडीशन में हमें भागना है, और चाहे कोविड आया कुछ भी आया है, हमें अपने आप को पहचानना है, हम हर समय में कुछ कर सकते हैं। जिनकी पहली प्रायोरिटी होती है सभी की कामयाबी, क्योंकि हम लोग दिशा ट्रेनिंग में श्रीमान माधव सर ने बताया, इस व्यवसाय में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो दूसरों के लिए जी रहा है, जो दूसरों के लिए काम कर, वह व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता जो सिर्फ अपने लिए जीता, जो अपने लिए जी रहा वो नहीं सफल हो सकता कभी भी, जो हमेशा सकारात्मक बातें सुनते हैं करते हैं सोचते हैं वो इस बिजनेस में सफल होते हैं। जो लोग हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ते हैं, मैंने हमेशा सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमारे गुरु ने बोला पढ़िए, मैं इसको 4थी बार फिर से पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ, और श्रीमान विजय पाल सर ने बोला कि इसमें दिया हुआ कि अपने माइंड को छू के बोल सकते हैं, और ये स्पर्श कराता है, स्पष्ट दिलाता है। हमारे श्रीमान नरसिंह गोवाल सर की लिखी हुई किताब, इसको भी मैं डेली पढ़ता रहता हूँ, और इस तरह से अभी हमारे यहाँ बुक ऑफ द मंथ चल रहा है, श्रीमान आदरणीय परशुराम सर ने जीत आपकी बताया है, मैं 8वां अध्याय इसको पढ़ रहा हूँ, लगातार टीम में भी हम लोग पढ़वा रहे हैं, लगातार पढ़ भी रहे हैं। जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं वही इस जीवन में सफल हो पाते हैं, जो कभी सफलता की बातें नहीं करते और हर काम में सकारात्मक ढूंढ लेते हैं
ये नहीं बहाना कि गुरुदेव कोविड आ गया घर से नहीं निकल सकते। अरे ये तो बहुत बेहतरीन अवसर है, इस समय हम पूरे इंडिया को एक ही दिन में प्लान दिखा सकते हैं, इतनी बड़ी पावर मिल रही है। बिल्कुल, पहले हम एक आदमी को प्लान दिखाने के घर घर जाते थे, फिर भी वो सुनता था कि नहीं सुनता था, लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पूरे इंडिया के 132 करोड़ लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते, इतनी बड़ी पावर मिल गई, पर आज हम कमी ढूंढते। मैं तो इतना मोटिवेट हूँ, जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ हमारी टीम भी इतनी मोटिवेट है, डेली के डेली हर लीडर जो भी जितना भी जिनका कभी रिजल्ट नहीं आता था वो भी 400-500 बिजनेस वालों निकाल के ही आते हैं, काम करने की वजह से सब होता है और सकारात्मक ढूंढना है। जिनकी ड्रेसिंग हमेशा प्रोफेशनल होती है, मैं अगर घर में बैठ के मीटिंग करता हूँ चाहे मैं बाहर जाता हूँ, अंबिका बिना कोट पैंट टाई के कभी आज तक बैठ के मीटिंग न तो सुना है ना ही मीटिंग दिया है, चाहे मेरे टीम में मैं मीटिंग करता हूँ चाहे मैं मेरे अपने गुरु जी के सामने बिना ड्रेस कोड में बैठने की आज तक अंबिका ने जरूरत नहीं किया, क्योंकि तो मैं जानता हूँ कि पूरे जीवन की कमाई पे एक गलती भारी पड़ जाती है। पूरे जीवन मैंने अच्छा काम किया और अगर एक गलती हो गई वही पूरे जीवन की कमाई को सफाया कर देती। यदि मैं गलती से भी अपने टीम में जींस टी शर्ट पहन के चला गया तो मेरी टीम में डुप्लीकेशन वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए अंबिका जब, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, हम बहुत बड़े काम करने आए हैं, हमारे ड्रेसिंग जो है हमेशा प्रोफेशनल ही होनी चाहिए, जिनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक सफल व्यक्ति जैसी होनी चाहिए। बाहर की दुनिया में सफलता किसी चीज से मापी जाती होगी, लेकिन हमारी दुनिया में हमारा शोरूम हम खुद हैं, हम खुद अपना शोरूम है। जितना शानदार शोरूम सजा के रखेंगे उतना ज्यादा बिक्री भी होगी, उतना लोग आकर्षित होंगे। अगर शोरूम के आगे ही कूड़ा करकट रखेंगे कोई भी आना पसंद नहीं करेगा, मेरा अपना मानना है। बिल्कुल, हम लोग काम को करते हैं, इन्विटेशन करते हैं डेली। मैं गलती करता था, मैं उस गलती को सुधारा हूं, मैं आपके सामने रखा हूं इसको, और ये मैं जो है कि मैं देखता था हम लोग बोलते इन्विटेशन करो, कैसे करना है ये बताते नहीं। हमारा फ्रेशर लीडर नया जुड़ा है, बोलते हैं कि लोगों को इनविटेशन करो प्लान में लेके आओ, वो बेचारा डरा हुआ है, नया आदमी है, इनविटेशन करना जानता नहीं। लेकिन हमने एक अभियान चलाया, गुरुदेव अभियान ये चलाया कि अंबिका खुद अपने फ्रेशर लीडर को भी करके सिखाए कि भाई एक मान लीजिए कि मिस्टर अनिल हमारा एक फ्रेशर लीडर है, मैंने उसको कहा आप कॉल करो और अपनी जो टीम में लिस्ट, अपनी जो लिस्ट बनाए हो 100 की वो लिस्ट मेरे पास भेजो, और लिस्ट उन्होंने भेजा तो मैंने कहा कि आप एक मिस्टर रमेश को कॉल मिलाइए, और उन्होंने कॉल किया रमेश को, मैंने बोला कि आपका सिर्फ इतना ही वर्क है कि आपको बताना है कि कुछ जानकारी हमारे गुरुदेव अंबिका सर देना चाहते हैं, इनकी बात को जरा सुनिए। तो वो कॉन्फ्रेंस पे है हमारा मिस्टर अनिल फ्रेशर लीडर, और हम एक नए प्रोस्पेक्ट को फोन करते हैं और उनसे नमस्कार करते हैं, बताते हैं सर नमस्कार, वर्तमान समय में कोरोना वायरस का भय पूरे देश में व्याप्त है तथा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी रोजगार भी जा चुका है, आप अपने घर में सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार का और आने वाले भविष्य के और पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकते हैं, के संबंध में मैं एक जानकारी देना चाहता हूं जिसके लिए आपका बहुमूल्य 20 मिनट समय मुझे चाहिए। ये मैं जब कॉल करता हूं तो जो हमारा फ्रेशर लीडर वो भी कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे सुन रहा होता है, जब सुन रहा होता तो सामने वाला हो सकता नया प्रोस्पेक्ट हमसे पूछ रहे भाई मेरे पास समय नहीं है, तो मैं उनको दमदारी से बताता हूं कि सर यदि आपने अपना बहुमूल्य 20 मिनट का समय दिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने परिवार अपने घर में सुरक्षित रह के अपने आने वाले समय में समय पैसा सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कमा सकते हैं। फिर भी यदि कुछ बोलता कि नहीं फिर भी समय नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि सर मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, यदि आपने 20 मिनट समय दे दिया तो जीवन में यह सब कुछ हो जाएगा, और मैं जानता हूं कि 20 मिनट में कोई ऐसा काम आप करने वाले नहीं है जहां से आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसलिए आप 20 मिनट का समय दे देंगे तो आपके जीवन में यह सब कुछ हो जाएगा। तो वो बोलता है ठीक है अगर इतनी बात आप करें तो मैं जरूर आपको समय दे रहा हूं जी। तो मैं इस तरह का जब काम करता हूं तो नया जो सुरेश जुड़ा है मेरे साथ वो समय देता है, तो हमारे साथ जो अनिल हमारा फ्रेशर लीडर है उसका भी कॉन्फिडेंस जग जाता है, बोलता है अरे गुरुदेव इस तरह से तो हम इन्विटेशन कर सकते हैं, और हमने अपने सभी सीनियर लीडरों को इस तरह से हमने अभियान चला रखा है कॉन्फिडेंस लेकर के कि, और मैंने ये बातें लिख के पूरा अपने नेटवर्क में दिया कि नहीं बोल पाते यही बातें रट्टा मार के बोलिए जी, इस बात को दमदारी से बोलिए, और लोग ये कर रहे हैं, इससे रिजल्ट बढ़ रहा है। बहुत खूब,
आगे मैंने 5 स्टेप देखा है। बाहर की दुनिया में लोगों की सफलता को नापा जाता है, उसके पास कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना मोबाइल है, क्या है, दुनिया भर की बातें। मुझे भी बाहर मैं जब जाता हूँ तो लोग नापते हैं कि अच्छा अंबिका के पास भी बहुत कुछ दिख रहा है, क्योंकि जब मैं निकलता हूँ घर से तो छोटी सी इनकम मेरे पास छोटा सी हाथ में ये मोबाइल सब एप्पल के रहते हैं। लोगों को लगता होगा कि यार बड़ा अच्छा मोबाइल चलता है, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया अपने आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से कि सेब शॉप में अगर सफलता नाप रही हूं किसी लीडर की तो हम कैसे नापेंगे। बाहर की दुनिया में तो लोग घड़ी देख करके, आपके मोबाइल को देख के, गाड़ी को देख के, बंगला को देख करके बोलते हैं आप सफल हैं, लेकिन इस बिजनेस में कैसे आपके सफलता का मापदंड क्या तय होगा, इसके लिए मैंने 5 स्टेप हमारे भगवान और हमारे जीवन को बदलने वाले श्रीमान माधव सर से मैंने सीखा कि अगर ये 5 स्टेप हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस को नापने के लिए, किसी भी लीडर को नापने के लिए एक फार्मूला है कि कितना सेल उसके टीम में जाती है, कितना सेल उसके टीम में जाती है, ये सेल आएगा कहां से, उसके टीम में कितने लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाएंगे कहां से, उसके टीम में कितना इनविटेशन होता है, इनविटेशन करेंगे कहां से, कि कितनी उसके पास लिस्ट है। यदि हमारे पास बहुत ब्रॉड लिस्ट है तो हम उसमें से इनविटेशन कर लेंगे। इन्विटेशन ज्यादा करेंगे ज्यादा प्लान होगा, ज्यादा प्लान होगा तो ज्यादा सेल आएगा, और ज्यादा सेल होगा तो इनको हम कोर स्टेप में डाल करके लीडर बनाएंगे। क्योंकि जब बाहर से हम लोगों को ले आते हैं, अलग अलग प्रोफाइल से, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, तो हमारे गुरुदेव का कहना है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो एक क्राउड के रूप में होते हैं, एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, वो टीम नहीं होती। हम लोग गलती से उसको टीम मान लेते हैं जी, गलती से मैं उसको टीम मान लूं तो ये टीम नहीं है, ये बल्कि एक भीड़ है। उस भीड़ को टीम बनाने के लिए इस स्टेप से गुजरना होता है, कोर की ट्रेनिंग दे करके फिर हम टीम में ले आते हैं। क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं तो एक भीड़ है, एक क्राउड है, उस क्राउड को कन्वर्ट करना है जो हमारे गुरुदेव लोग बताते हैं। तो सबसे पहला हमने अभियान चला रखा है लिस्ट बनाने के लिए, किसी भी व्यक्ति का नाम अपनी डायरी में लिखना है, अर्थात उसका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना, क्या काम करता है, कितना पैसा कमाता, उसका पूरा बायोडाटा। ये नहीं कि हमने तो लिख तो लिया, पता चला कि जब प्लान हुआ सब कुछ होने के बाद बोला गुरुदेव पैसे ही नहीं, तो फिर हमारा जो मेहनत है वो उस पर रिजल्ट कम आएगा। इसलिए ये पूरा डिटेल उसकी हमें जाननी है, जिस व्यक्ति को हम प्लान दिखाने जाते हैं उसका पूरा डिटेल हम ले दें। उसके बाद लिस्ट में सम्मिलित व्यक्ति को हम अपने बिजनेस का प्लान, बहुत उच्च गुणवत्ता वाला प्लान दिखाना है, क्योंकि इतना शानदार प्लान पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, जो हमारे पास सेब शॉप ने, आदरणीय हमारे महान डायरेक्टरों ने हमको दिया है, और ये हमारे सभी जो हमारे गुरुदेव सामने बैठे इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से ये प्लान बन पाया। मैं तो सत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ, आपका चरण वंदन करता हूँ। इतना शानदार प्लान पूरे विश्व का जो नेटवर्क मार्केटिंग है, सबसे बेहतरीन प्लान आपने गुरुदेव हम लोगों को दिलाया। बहुत बहुत मैं अभिनंदन आभार और पूरे अपने परिवार की तरफ से जीवन भर ऋणी हूँ मैं आप लोगों का। उनको हमें प्लान दिखाना है, इतना शानदार प्लान है। प्लान को हम दिखाने के लिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, हम अपने आप को बदलाव करें और टेक्निकल स्थिति में हम ले आए। क्योंकि अगर आज भी आदरणीय गुरुदेव ने एक दिन बोला था मीटिंग में कि संदेशा भेजने का तो पहले भी माध्यम था जी, कि हम पोस्ट कार्ड से भेज सकते हैं, अंतर्देशी से भेज सकते हैं, लेकिन आज के युग में अगर हम पोस्ट कार्ड अंतर्देशी पे टिके रहे तो वो संदेशा तब पहुंचेगा जब परदेशी घर आ चुका होगा। बिल्कुल। तो आज हमें अपने आप को तुरंत बदल लेना है, और तुरंत बदल करके जूम ऐप पे बढ़िया शानदार तरीके से आज इतने लोगों की मीटिंग हम लोग देश के कोने कोने में बैठ करके कर रहे हैं, इतना शानदार अवसर है। गूगल मीट पे कर सकते हैं, 1-to-1 प्लान कर सकते हैं, होम प्लान कर सकते हैं, ग्रुप प्लान कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग प्लान कर सकते हैं। आज बहुत ऐसे माध्यम है काम करने की, क्योंकि काम करने वाले के लिए रास्ते की कमी नहीं है, काम करने वाले के लिए रास्ता कभी बंद हुआ नहीं। रास्ता एक बंद हुआ तो हजारों रास्ते ऊपर वाले ने खोला है, हजारों रास्ते खोला है। यदि कोविड ने हमारे दरवाजे को बंद किया है तो पूरे दुनिया के दरवाजे को खोल दिया है कि अंबिका किसी के घर में एंट्री कर सकते हो, और हम इसके माध्यम से करते हैं, डेली लोगों के घरों तक हम पहुंच जाते हैं। प्लान के समय उठाए जाने वाले प्रश्न, तमाम लोग कुछ बातें बोलते हैं, ऑप्शनल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अर्थात फॉलोअप करना, मैं प्लान करता हूँ और बैठ के फॉलोअप भी करता हूँ। इस तरह से रिजल्ट बढ़ रहे हैं। ज्वाइनिंग के तत्काल बाद उस नए व्यक्ति से मिलकर FIM करना, यदि नहीं मिल पाते
तो जून पे उसको वन टू वन एक एक आदमी को लेकर के उसका एफआईएम करना है, लिस्ट बनाना है। हम लोग गलती क्या करते थे, मैं पहले गलती मेरी ये होती थी कि हम बोलते लिस्ट बना लेना, ड्रीम बना लेना। अब अगर नया आदमी लिस्ट बनाना जानता ही होता तो पहले से करोड़पति नहीं होता जी। यदि पहले से ड्रीम बनाना जानता तो पहले से सफल नहीं होता। हम लोग गलती यही करते उसके ऊपर छोड़ देते, बना लेना ना 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 ना, ना बना लेना नहीं है। आज जो हमारे घर में जन्म ले लिया, सबसे पहले टीकाकरण हम ही को करना है, नहीं तो कोविड भी आके परेशान करेगा, कभी और खसरा भी आके परेशान करेगा, कोई और भी बीमारी परेशान कर सकती है जी। इसके बाद हमें नए ज्वाइनर को ले आकर के कोर ट्रेनिंग के प्रोसेस में डाला। ये पांच स्टेप को मैं घुमा रहा हूँ तेजी से, और मेरा अपना मानना कि जितनी स्पीड में हम इसको घुमाएंगे उतना तेजी से हमारा नेटवर्क आगे बढ़ने वाला है। इसको लगातार हमें घुमाने की जरूरत भी है। ये आदरणीय गुरुदेव ने ही सिखाया था, मैं वो बातें यहाँ पर। जीवन में कुछ भी खैरात मिलता नहीं है, यदि कोई ये सोच ले कि जीवन में मैं कुछ खैरात मिलेगा, खैरात में सिर्फ और सिर्फ भीख मिलती है, खैरात में कुछ भी नहीं मिलता। सपनों का घर जिसमें हम रहना चाहते बनाना पड़ता है, खैरात में नहीं मिलती, नहीं तो बाप दादा जो हवेली छोड़ जाते गुजारा वही हो जाता है। फिर भी आने वाली पीढ़ियां प्रश्न खड़ी करती, क्यों तुमने क्या बनाया है, क्या जवाब है हमारे पास, ये बाबू हमारे पिताजी ने बना के दिया। बोलेगा तेरा क्या रोल है इसमें, इसलिए बनाना पड़ता है। चाहे हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, अमिताभ बच्चन जी की बात करें, विराट कोहली जी की बात करें, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे रोल मॉडल, जीवन को हमारे आगे बढ़ाने वाले, हमारे सब कुछ, श्रीमान नरसिंह गोयल सर की बात करें, श्रीमान माधव सर की, श्रीमान जसवीर सर की, श्रीमान विजय पाल सर की सभी, और हमारे श्रीमान परशुराम सर की, इन्होंने बनाया है, हैरात में नहीं मिली है, इन्होंने बनाया अपने आप को। तो जिंदगी खूबसूरत बनानी पड़ती है, सिर्फ देख करके बड़ी खूबसूरत नहीं मिलेगी, बनाना होगा, तराशना होगा अपने आप को, और बनाने की वजह से मिलेगी। मैं आज आह्वान करता हूं सभी भाई बहनों से, आइए हम लोग मिलकर एक संकल्प लेते हैं और जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। yes. जैसे गुरुदेव ने बनाया है, आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर को लाखों लोग दिलों में बसा के रखते हैं, दिलों में राज करते हैं सर, इन्होंने बनाया है, इन्होंने अपने आप को वहां पहुंचाया है। तो आज हम सब मिलकर के भी ये सौगंध लेते हैं कि गुरुदेव हम लोग भी आप जैसा बनेंगे। मेरे द्वारा कुछ काम किया जाता मैं आज जरूर उससे शेयर करूंगा। मैं सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं कथनी और करनी में भेद नहीं रखता, जो बोलता हूं उसको करता हूं। सिर्फ मैं ये नहीं बोलता कि भाई आपको करना चाहिए, मैं ये बोलता हूं कि मैं अंबिका पहले करे फिर उसके बाद लोगों को बताए, क्योंकि जब हम पहले करेंगे तब हम दमदारी से बोल सकते हैं। मैंने देखा अपने टीम में लोगों से बात किया तो लोगों के अंदर एक भय था, कोविड का बीमारी का डर था, तो मैंने कहा इसको निकालने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं सुबह 4:30 बजे जगता हूँ डेली, और 5 बजे से 6 बजे तक मैं अपने पूरी टीम को एरोबिक एक्सरसाइज कराता हूँ ताकि वो पसीना निकले, स्वस्थ रहे, और जब तक वो एक्सरसाइज करते तब तक ये डर भी दूर हो जाएगा, धीरे 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 उनका मानसिक जो मजबूती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ डेली, एक दिन नहीं, एक दिन कभी महीने में कर दिया, प्रतिदिन करता हूं। और मैं आपके सामने खड़ा हूं कि 53 साल की एज में आज भी अंबिका के अंदर 20 साल के लड़के बराबर जोश रहता है। Great. इसी की वजह से डेली मैं करता हूं और अपने टीम में कराता भी हूं। उसके बाद 6 बजे आदरणीय श्रीमान परशुराम सर की मीटिंग होती है, मैं उसमें अपनी पूरी टीम को लेकर बैठता हूं। वहां से खाली होने के बाद 8:30 से 9:30 बजे तक मैं अपनी पूरी टीम को जो गुरु जी ने दिया उसको वहां तक पहुंचाता हूं। फिर 11 बजे मेरी टीम का प्रतिदिन जूम पर नए गेस्टों का प्लान होता है, नए गेस्टों का प्लान हम करते हैं, और उसके बाद मैं जैसे प्लान हमारा 45 मिनट में समाप्त होता है, फिर अंबिका 12:00 से 3:00 बजे तक इसी सीट पर बैठ के लगातार फॉलो करता है। कोई भी आदमी नया लेके आता है कि गुरुदेव ये प्लान देखे, हमने कहा कोई बात नहीं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। 12:00 से 3:00 बजे तक इसी सीट पर आता हूँ, 3 बजे यहाँ से उठता हूँ, थोड़ा सा मैं लंच करता हूँ, और उसके बाद फिर आ जाता हूँ। फिर मैं यहीं बैठ करके अपने टीम में जितने मेरे सिल्वर लीडर हैं मैं उनके टीम उनको लेता हूँ कॉन्फ्रेंस पे, उनके नीचे पूरी टीम से बात करता हूँ कि हाँ टाइगर बब्बर से कर देना है, फाड़ देना है, आज हमें ये सीखा, आज हमें सेल लेके आना है, एक सेल तो लेके आएंगे आज। उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, ललकार के उनको सिखाता हूँ। तो मैं 3:00 से 5:00 बजे तक इस सीट पर बैठता हूँ, 6:00 बजे फिर इस सीट को छोड़ता हूँ,
जाता हूँ जलेश्वर मिश्र पार्क, 6-7 किलोमीटर वहाँ रनिंग करता हूँ, रनिंग करके फिर आता हूँ और उसके बाद फिर हल्का सा काढ़ा लेने के बाद 9 बजे से रात में बैठता हूँ। अपने टीम में कितना काम हुआ सिर्फ अंबिका बोल नहीं सकता। हाँ भाई रिपोर्ट बताओ, रिपोर्ट बताने का मैं कोई पोस्ट ऑफिस नहीं हूँ, मैं कोई पोस्ट ऑफिस नहीं हूँ कि इधर की चिट्ठी आई उधर कर दिया, उधर क्या उधर कर दिया। मैं भी कुछ काम करने के लिए हूँ। इतनी बड़ी पिन अगर मुझे दिया है कंपनी ने, मेरे गुरुओं ने इतना बड़ा अगर मुझे पद दिया है, ये सिर्फ पट्टा यहाँ ओढ़ने के लिए नहीं दिया है, ये मेरी टीम का भार है मेरे कंधों पे, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं खुद समीक्षा करता हूँ अपने कामों की, अपने टीम में क्या काम हुआ, कितना प्लान हुआ, कितना फॉलो अप हुआ, कितने लोगों से मिले, कितना सेल आया, कितना FIM हुआ, कब कब हमें क्या करना है, इस पे मैं समीक्षा करता हूँ। समीक्षा करने के बाद पूरा नोट करता हूँ, नोट करके मैं आदरणीय श्रीमान शिवानंद मिश्रा परम आदरणीय श्रीमान परशुराम सर को रिपोर्ट करके फिर उठता हूँ तब खाना खाने जाता हूँ। ग्रेट, फिर उठता हूँ तब खाना खाने जाता हूँ, क्योंकि अंबिका को एक ही बात मालूम हुई, 1,34,000 पाने के लिए 12 घंटा इसी सीट पर बैठता था ऑफिस में, तो 8 लाख फ्री में नहीं आता, तो 8 लाख अगर फ्री में लिया तो मेरा जमीर धिक्कारता है मुझे, ये पैसा क्यों लेते, 1,34,000 के लिए खून पसीना एक करना होता था तब मिलता था, 8 लाख फ्री में ले ले, वो 8 लाख की कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं लगातार चुकाता हूँ, और लगातार मैं यही अपने टीम में लोगों को संदेश भी दे रहा हूँ, लगातार ये काम को मैं करूंगा और लगातार करने का प्रयास भी करता हूँ। इसलिए कि मैं बीमारी का बहाना नहीं बना सकता, मैं कोविड का बहाना नहीं बना सकता, मैं ज्यादा उम्र का बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि ये पूरे टीम का भार मेरे कंधों पर है, और अंबिका अगर यहां से मुकर गया तो एक ही बात कराएगा, कायर है, डरपोक है, और मैं ये शब्द लेके जी नहीं पाऊंगा, मैं इन शब्दों के साथ जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं कभी कायर नहीं बनना चाहता, मैं अपनी टीम को नेतृत्व करने के लिए आगे चलने का प्रयास करता हूं और लगातार करूंगा, जब तक ये सांसें चलेंगी तब तक करता रहूंगा। बहुत खूब। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि इन घोड़ों को हम लोग देखते हैं, और आदरणीय गुरुदेव ने ये कहानी सुनाया था, मैं जरूर आज रिपीट करना चाहूंगा, घोड़े भी कई प्रकार के होते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध बैठे थे, कुछ लोगों को ज्ञान बांट रहे थे, उसी में एक व्यक्ति आया और हाथ जोड़ के बैठ गया, थोड़ी देर के बाद रोने लगा और वो उठा फिर चला गया। तो उनके चचेरे भाई ने प्रश्न पूछा भगवान गौतम बुद्ध से कि ये आदमी आया बिना कुछ पूछे चला गया। उन्होंने कहा देखो भाई घोड़े भी कई प्रकार के होते, तुम राजमहल में रहो, मैं घोड़ों का उदाहरण देता हूँ। एक घोड़ा वो होता है कि जब उसका मालिक आता चाबुक उठाता है, 2-4 चाबुक लगाता है, तब वो उठता है धीरे से अंगड़ाई लेते हुए। लेकिन ये दूसरा घोड़ा भी होता है कि जब उसका मालिक आता चाबुक की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो उठ के कुलाच भरता है, रनवे पे पहुंच जाता है, हिनहिनाते हुए हवाओं से बात करने लगता है। एक वो घोड़ा होता है कि जो उसका मालिक की पुतली अगर फिर गई तो वो उठता है और हवा से बात करता है, वही चेतक कहलाता है, वही चेतक कहलाता है। हम लोगों ने भी खूब सुना है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो क्या हम लोग चेतक नहीं बन सकते? Yes. क्या हम लोग अपने आप को उस चेतक की तुलना में नहीं रख सकते कि हमारे गुरुदेव जब उठाएंगे मीटिंग तब हम करेंगे? मैं गुरुदेव आज वादा करता हूं कि अंबिका हमेशा इसी बात के लिए काम किया है कि अगर राणा की पुतली फिरने से पहले अंबिका उस काम को अंजाम देगा तो लगातार देने का प्रयास करता हूं। Great. कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि हमारे गुरुदेव जब हमें जगाएंगे तब मैं जगूंगा, गुरुदेव ने इस लायक बनाया है और मैं इसीलिए हमेशा अपने आप को फिट रखता हूँ, कभी भी अपने मन को हमेशा अपने बस में रखने का मादा रखता हूँ, अपने मन को अपने आप को जीत चुका हूँ। मन मेरा भी बोलता है कि थोड़ा देर तक सोते हैं, बोलता है नहीं, अगर आज सो गया तो तू मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, तेरी बात मैं सुनने वाला नहीं हूँ, तेरी बात सुन के मैं नौकर बना रहा 26 साल सिर्फ तेरी बात को सुनने की वजह से, आप अगर सुनना तो तू मेरी बात को सुन, और आज मैं उस पे अपने आप को हावी रख के काम को करता हूँ। तो गुरुदेव मैं आज वादा करता हूँ आपके चरणों के सौगंध खा के कि अंबिका जब तक इस टीम में काम करेगा, रॉयल ड्रीमर में काम करेगा, एक नींव की ईंट की तरह से काम करेगा और हमेशा उसी
चेतक की तरह से कि जब गुरुदेव की पुतली फिरेगी उसके पहले अंबिका वहां पहुंचने का प्रयास करें। जब तक जीवन है तब तक मैं आप लोगों के चरणों में रहूंगा, रॉयल ड्रीमर टीम में रहूंगा, और मेरे लिए आन बान शान मेरी धरोहर है रॉयल ड्रीमर टीम। और मेरा तो सौभाग्य कि मैं उस टीम का एक हिस्सा हूं और एक ईंट की तरह से मुझे लगाया गया है। और जहां भी आप लगा देंगे अंबिका कभी भी अपना कंधा पीछे नहीं हटाएगा, अंतिम सांस तक उसको निभाने का पूरा प्रयास करेगा। आज हमारे सभी सम्मानित साथियों ने मुझे सुना और मैं आज बड़ा शुक्रगुजार हूँ आदरणीय गुरुदेव का। और मैं एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, इसमें मेरी कोई बात नहीं थी, जो कुछ भी बातें मैंने किया आदरणीय गुरुदेव ने सिखाया था। और मैं आप सभी से कहूंगा कि अपने जो आपके एक्टिव अपलाइन है जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं, ये बातें गुरुदेव से सत्यापित करा लीजिए, अंबिका जो बोला था क्या सही है उनसे सत्यापित कर ले, क्योंकि ये मेरी बात नहीं थी। ये मैं जो कर रहा था वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और मैं आज परम सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे महान लीजेंड के सामने, ऐसे महान पथ प्रदर्शक के सामने, महान गुरु के सामने बोलने का अवसर मिला। और मैं ऋणी रहूंगा आजीवन ताउम्र ऋणी रहूंगा परम श्रद्धेय श्रीमान विजय पाल सर का, परम श्रद्धेय श्रीमान जसवीर सर का ऋणी रहूंगा, मेरा परिवार भी ऋणी रहता है कि मैं जब ज्वाइन हुआ था तो आदरणीय जसवीर सर का चरण मेरे घर में पड़ गया था। उसी दिन मैं अपने आप को मान लिया था कि अंबिका जीवन सफल हो गया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व का चरण रज मेरे घर में आ गया। अब अंबिका पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और लगातार वो दिन मेरे जीवन में आज भी अनमोल धरोहर की तरह मैं संजो के रखता हूँ। परम आदरणीय जसवीर सर मेरे घर श्रीमान माधव सर के साथ आए थे और मैं आज भी इंतजार करता हूँ कि वो चरण कब मेरे घर में फिर पड़ने वाला है। जरूर सर, जरूर। मैं बहुत बेसब्री तरह से सेवरी की तरह से भगवान श्री राम की राह देखता हूँ, कभी वो दिन आएगा मेरे जीवन में, इसी उम्मीद के साथ मैं बैठा हूँ। और मैंने जो बातें की ये मेरी बातें नहीं थी, ये आदरणीय गुरुदेव की बातें थी। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो वो अंबिका की बात हो सकती है, आप अपना भाई समझ के छोटा या बड़ा जिस रूप में है माफ कर दीजिएगा। मैं जीवन में आपको कुछ दे तो नहीं पाया, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी अंबिका को अगर एक आवाज देंगे कि अंबिका यहाँ आप पहुंचना है, तो गुरुदेव के चरणों में हमेशा नतमस्तक होकर के मैं पहुंचूंगा। और जब तक सांस चलेगी तब तक इसको निभाता भी रहूंगा। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ।